डायन क्या होती है और कितनी खतरनाक होती है, इसकी जानकारी देने की आपको ज़रूरत नहीं। शायद इसकी जानकारी आप पहले ही रखते होंगे कि डायन बहुत भयानक होती है, बहुत खतरनाक होती है और किसी भी इंसान को मार सकती है। डायन की ज़्यादातर कहानियों में आपने ये चीज़ सुनी होगी कि कोई इंसान जब किसी खाली जगह पर जाता है जहाँ उसका सामना किसी डायन से हो जाता है, या तो वो वहाँ से बड़ी आसानी से बचकर भाग आता है। वो डायन सिर्फ डराती है लेकिन हमला नहीं करती, या तो वो डायन उससे चिपक जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन डायन को एक खास स्थिति में देखने के बाद एक इंसान के साथ कितनी बुरी चीज़ें हो सकती हैं, आज की कहानी में आपको ये पता चलेगा। डायन को नृत्य स्थिति में देखने के बाद पुरुषोत्तम के साथ क्या क्या हुआ, वो बहुत भयानक कहानी है। दोस्तों, इससे ज़्यादा डरावनी और भयानक डायन की कहानी आपने पहले नहीं सुनी होगी और इस कहानी को सुनकर आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है पुरुषोत्तम की, जो कि छत्तीसगढ़ के एक गांव का रहने वाला है और शहर में सब्जी मंडी में काम करता है। सबसे पहले 2 सालों तक वो सब्जी मंडी में काम करता रहा। अब ये छोटी सी सब्जी मंडी थी शहर में बनी हुई, और वहाँ पर एक दुकान में उसे काम मिल गया जहाँ वो सब्जियाँ बेचा करता था। और धीरे धीरे उसे इन कामों की समझ भी होने लगी कि सुबह सुबह किसी और शहर से जो ट्रक आता है उसमें सस्ती सब्जियाँ होती हैं और उन सब्जियों को खरीदा जा सकता है। अगर पूरे के पूरे लिफाफों को, बड़े पैकेट को खरीद लिया जाए तो काफ़ी सस्ते में पड़ती है, और अगर वो एक ठेला लगाना शुरू कर दे तो अपनी और कमाई कर सकता है। क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे से 10 बजे तक उसे उस सब्जी मंडी में उस दुकान पर बैठना पड़ता था, फिर उसे छुट्टी मिल जाती थी, और उसके बाद शाम को 6 बजे से 9 बजे तक वहाँ सब्जी मंडी में उसे वो सब्जियाँ बेचनी पड़ती थी। तो उसने सोचा बीच वाला जो समय है उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। उसने एक ठेला ले लिया, आगे लगवा लिया साइकिल, और अब वहाँ से सस्ती सब्जियाँ खरीद कर कुछ समय, कुछ हफ्तों तक वो ट्राई करता रहा कि जो उसका मालिक था उसे उधार लिया कि मैंने ये लिया है, कुछ सस्ती सब्जियां दे दो, मैं बेचने की कोशिश करूंगा घर घर जाकर। 3-4 हफ्तों में उसे पता चल गया इसमें उस दुकान से ज़्यादा प्रॉफिट है। ये एक तरह से अपना काम था, जैसे अपना बिजनेस खोलते हैं ना, जिसमें हम मालिक होते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। वहाँ वो नौकर की तरह था, जब वो मालिक कहता काम करना पड़ता, नहीं कहता नहीं करना पड़ता। यहाँ इस ठेले को लगाकर काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। 2-4 महीनों में उसने काम सीख लिया और उसके बाद अब वो सब्जी मंडी में कम रहता जबकि बाहर ठेला लेकर ज़्यादा घूमता रहता। शहर में पूरा दिन वो ठेला घुमाता रहता, सब्जी बेचता, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बच जाया करता था, बस एक छोटा सा नुकसान हो जाया करता था। शाम के वक्त जितनी सब्जी बिक जाया करती थी उतनी तो उसको फायदे में रहती थी, जो बची हुई अगली सुबह तक वो सब्जी कुछ खराब हो जाती और अगली सुबह नया ट्रक आता तो ताज़ी सब्जी आती, और ये पुरानी सब्जी कोई खरीदना नहीं चाहता। तो इस तरह से ये सब्जी उसके गले पड़ जाती थी, कहें कि उसे घर में रखनी पड़ती थी, खुद इस्तेमाल करनी पड़ती थी, अपने माँ बाप को दे दिया करता था। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा नुकसान हो रहा था, तो उसने सोचा शहर से निकलकर गांव में भी सब्जी बेचनी शुरू कर दूं। अब शाम के 6 बजे जो वो सब्जी मंडी में जाया करता था, अब इस ठेले को लेकर आसपास के गांव में घूमना शुरू हो गया। इससे जो बची हुई सब्जी वो सस्ते में बेचता और गांव में सभी टूट टूट कर पड़ते कि ये सस्ती सब्जी बेचने वाला आ गया, इससे सब्जी ले लो, और इसी बहाने उसकी सारी सब्जी बिक भी जाया करती थी। इस तरह वो आसानी से पैसे कमाने लगा। अब वो खुद को बिजनेसमैन कहने लगा था, भले ही ठेला लगाया करता था लेकिन काम तो अपना था ना। अब रात के वक्त 8-9 बजे तक भी वो ठेला घुमाता रहता था, कई गांव में लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते, और हर बार वो नए नए गांव में जाना पसंद करता। नए गांव में जाता, वहाँ सब्जी का जब रेट बताता तो लोग खरीदते, लेकिन कभी कभी अंधेरे में उसे ऐसी ऐसी जगह से निकलना पड़ता जहाँ वो गया हुआ नहीं होता। इसी तरह एक बार वो काफ़ी आगे वाले गांव तक चला गया था और उसे पता था सारी सब्जी अगर बिक गई तो ठेला होगा खाली, आराम से मैं साइकिल चलाता हुआ घर आ जाऊंगा। लेकिन उस दिन हो गई बारिश, बारिश इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद भी रेनकोट पहने हुए, सब्जियों के ऊपर भी रेनकोट डाला हुआ, अपनी वो साइकिल चला रहा और बारिश काफ़ी तेज़ होती जा रही थी।
उसे लगा किसी पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ, इस तरह से परेशानी होगी, और वो गांव से काफी ज्यादा दूरी पर भी था। उसने क्या किया कि वो एक पेड़ के पास रुक गया। ये बड़ा सा पीपल का पेड़ था, पीछे दीवार बनी हुई। पहले तो उसे लगा कि ये कोई पीछे घर होगा, लेकिन आसपास खेत ही थे, वो भी खाली, वहां कुछ बीजा हुआ नहीं था। तो उसे लगा पेड़ के नीचे रुका रहता हूँ, घर वर तो है नहीं, अकेली दीवार की हुई है। फिर वो गेट के पास खड़ा हो गया। अब वहां से वो पानी से बच रहा था, रेनकोट देख रहा, अपना ठेला सेट कर रहा कि सब्जी में पानी तो नहीं चला गया, इससे तो सब्जी खराब हो जाएगी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अब उस दीवार के पिछली साइड से जैसे घुंघरुओं के खनकने की आवाज़। पहले तो वो डर गया, उसे लगा यहाँ कोई भूत प्रेत होगा, खाली जगह में घुंघरू डालकर आखिर कौन घूम रहा होगा, कोई लड़की होगी या पक्का चुड़ैल डायन कुछ ऐसी ही होगी। लेकिन फिर वो वहां से जा भी नहीं सकता था क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज थी। तो उसे लगा अभी देखता हूँ ना दीवार चढ़कर, तो उसने दीवार चढ़कर देखा, जो पीछे था वो शमशान घाट था। अब उसे शमशान घाट में, आपको पता है वहाँ पर कई जो बच्चों की लाशें हैं वो दफनाई गई होती हैं, जलाने के लिए भी एक छत बनाई होती है जहाँ नीचे लाशें जलाई जाती हैं, कुछ राख पड़ी होती है, जलाने वाली लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, पहचान हो जाती है कि ये एक शमशान घाट है। वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आई। अब उस लड़की की उम्र 20 से 30 साल के बीच रही होगी। उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, हाथ में दो खोपड़ी पकड़े हुए, पाँव में घुंघरू डाले हुए, बिना कपड़ों के वो नाच रही थी शमशान घाट में। अब ये वक्त था रात के 9 बजे का, और जो पुरुषोत्तम था वो पहले तो घबरा गया और उस जो दीवार से नीचे उतर आया। उसे लगा कहीं कोई मुझे देख ना ले। उसकी उम्र भी 25 साल थी, उसकी माँ शादी के लिए कोई लड़की तो ढूंढ रही थी, वो भी जल्दी से शादी करना चाहता था, लेकिन कोई लड़की मिल नहीं रही थी क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता था और अभी अभी काम अच्छा शुरू किया था। उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, वो जिस घर में रहते थे बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, ऊपर शेड लगाई हुई थी, पानी घर के अंदर आता था, आज बारिश थी आज तो घर के अंदर आ रहा होगा। तो कोई भी अपनी लड़की पुरुषोत्तम को देना नहीं चाहता था, इसीलिए अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। तो वो उसका स्वभाव भी ऐसा था, लड़कियों को बहुत ताड़ा करता था। आज बिना कपड़ों के शमशान घाट में लड़की उसे नाचती हुई दिखी, तो वो दीवार पर दोबारा चढ़कर उस लड़की को देखने लगा। अब वो छिप छिप कर देखे जा रहा था और सोचे जा रहा था आखिर ये लड़की शमशान घाट में नाच क्यों रही है बारिश में। उसके बाद बारिश थोड़ी कम होने लगी और उसे थोड़ा डर लगने लगा कि अगर यहाँ कोई आ गया और मुझे देखा कि मैं पेड़ के पास इस तरह दीवार के ऊपर से अंदर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है शमशान घाट में रहने वाली कोई लड़की हो और बारिश में नहा रही हो तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो जल्दी से उसने अपना ठेला खींचा, साइकिल चलाकर वहाँ से निकल गया। लेकिन वो लड़की की तस्वीर उसके दिमाग में छप गई थी, उसका चेहरा उसने नहीं देखा था, उसका मुंह दूसरी तरफ था, लेकिन बिना कपड़ों के नाच रही, ये बात उसके दिमाग में घूमे जा रही। इसके बाद उसने अपने कई दोस्तों को, जान पहचान वालों को ये बताया कि मैंने बिना कपड़ों के लड़की नाचती हुई देखी। उसके दोस्त पूछ रहे कहाँ देखी, उसने ये नहीं बताया कहाँ देखी। इसके बाद अगले दिन भी वो कई गाँव में घूमा, लेकिन दिमाग में वो लड़की बसी हुई और उसने सोचा दोबारा मैं उस जगह देखूंगा, क्या वो लड़की हर रोज़ नाचती है, वहाँ तो जैसे मुजरा देखने का मज़ा आएगा। ये सोचकर वो कई गाँव में घूमा, सब्ज़ी नहीं बिकी। आज वो ज़्यादा सब्ज़ी लेकर आया था, तो जब वो शमशान घाट के पास पहुंचा, अब थोड़ा घबरा भी रहा था यहाँ कोई उसे देख ना ले, लेकिन अभी अभी तो आया हूँ, कहूँगा यहाँ रुका हूँ, बहुत ज़्यादा थका हूँ और आसपास के गांव वाले कुछ जानते भी हैं कि ये सब्ज़ी वाला नया आना शुरू हुआ है, सस्ती सब्ज़ी बेचता है। अब उसने दीवार के पास ठेला लगाया, ठेला इस तरह से लगाया कि कोई देख भी ले तो वो कहेगा कि ठेला यहाँ पर लगाया है और दीवार पर चढ़ने में आसानी भी होगी, वरना दीवार पर चढ़ना मुश्किल होता, ईंट वींट खींचनी पड़ती, कच्ची दीवार थी और उससे चढ़ने में परेशानी होती और ठेले से आसानी से चढ़ा जा सकता था। ठेले के ऊपर चढ़ने लगा, वक्त 9 बजे का था। उसने देखा शमशान घाट में एक तरफ आग जली हुई और वो लड़की बिना कपड़ों के नाच रही, लेकिन आज उसके नाचने के तरीके में एक फर्क था। पहले तो वो नाच रही थी बारिश में और हाथ में खोपड़ी ली, जैसा कि शमशान घाट में हो सकता है नहा रही हो, आज उसने हाथ में खोपड़ी नहीं पकड़ी हुई थी, उसने हाथ में जैसे छोटी छोटी तलवारें दोनों हाथ में पकड़ी हुई और वो तलवार अपने आप के मार रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से अपने मार रही कि पीठ पर, उसके यहाँ पर छाती पर खून के काफ़ी निशान थे और खून नीचे बह रहा था, नीचे फर्श बना हुआ था, काफ़ी कीचड़ भी था कल की बारिश के कारण, लेकिन लाल खून साफ नज़र आ रहा और वहाँ एक तरफ लाइट भी लगी हुई थी, तो उसे साफ दिख रहा कि ये तो जैसे पागल हो गई है, ये कर क्या रही है। उसने तलवार इतनी ज़ोर ज़ोर से अपने मारी कि कई बार मांस उखड़कर नीचे गिर जाता
और ये अब पुरुषोत्तम से देखा नहीं जा रहा। वो तो जैसे दिमाग में सोचकर आया था कि वो लड़की बिना कपड़ों के शायद नाच रही होगी, लेकिन जो वो देख रहा था उससे देखा नहीं जा रहा था। वो थोड़ा कमज़ोर दिल का था, जब भी खून देखता था तो उसे घबराहट होने लगती थी, और ये चीज़ देखने के बाद उसकी टांगें कांपनी शुरू हो गई, और टांगें इतनी ज़्यादा कांपने लगी कि वो जो ठेला था ना उससे वो नीचे ही गिर गया। उसकी टांगें कांपी, पांव फिसला और नीचे गिरा। अब नीचे गिरा तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हुई। नीचे गिरते ही जब आवाज़ हुई तो पीछे जो घुंघरुओं की आवाज़ थी वो बिल्कुल बंद हो गई। इसके बाद जो पुरुषोत्तम था वो घबरा गया कि उसे पता चल गया, इतनी आवाज़ तो हुई है, उस तक आवाज़ पहुँच गई होगी। अब इसके बाद उसने ठेला चलाना शुरू कर दिया। ठेले पर था काफ़ी ज़्यादा सब्जी वाला सामान, ठीक है, कुछ गला हुआ कुछ ठीक, बाकी भी तौलने के लिए वज़न के लिए वो पत्थर रखे हुए, तो वज़न ज़्यादा था, उसे साइकिल चल नहीं रही, खींचने की कोशिश कर रहा, कल की बारिश के कारण कीचड़ भी था, खींचा नहीं जा रहा। गेट से बाहर वो लड़की बिना कपड़ों के आई और उसके शरीर पर जैसे बहुत चोट के निशान थे, जैसे उसने अपना मांस अपनी बाजू उंगलियां काटी हुई थी, इतनी कटी फटी सी लड़की थी, और चेहरा भयानक काले रंग का, एक भयानक चेहरा था। और ये चेहरा देखते ही उसे ये समझ में आ गया ये कोई साधारण लड़की नहीं है, उसने एक शायद डायन को नृत्य करते हुए देखा है। अब वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसने अपना ठेला खींचना शुरू कर दिया। अब वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे थी। इसके बाद वो ठेला खींचकर थोड़ा दूर जाना चाहता था, चुड़ैल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, सारा सामान वहाँ बिखरा, और वो हाथ में जो तलवार लिए थी ना वो मार रही थी अब पुरुषोत्तम के, एक दो बार पीठ पर टकराई, उसकी जो शर्ट थी पीछे से फटी, और इस बार उसने ठेला छोड़कर भागना शुरू कर दिया। उसे लगा अब ठेले की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी बचानी है, डायन तो उसे मारने पर उतारू है। वो भागता गया, सामान पीछे बिखरा, हर चीज़ बिखरी, वो छोड़कर भागा आगे गांव की तरफ, और वो तलवार लिए पीछे थी। एक बार तो वो छलांग लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ गई और वहाँ वो गिरा। तलवार उसके हाथ से छूट चुकी थी, लेकिन वो बाल नोच रही, गर्दन नोच रही, नाखून गर्दन में गड़ा रही, पीठ पे गड़ा रही, इस तरह काफ़ी ज़्यादा जख्मी था। उससे लड़ने की कोशिश की और वो भी उसे नोच रही थी कि नाखून आँखों में मारकर उसे अंधा कर देना चाहती थी, लेकिन लड़की थी शायद थोड़ी कमज़ोर थी, इसीलिए वो किसी तरह वहाँ से बचा, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी, आगे गांव तक पहुँचा। गांव में पहुँचा तो लोगों ने देखा, और लोगों ने उस लड़की को नहीं देखा, वो पीछे कहीं गायब हो गई। अंधेरे से निकलकर जब पुरुषोत्तम गांव तक पहुँचा, थोड़ा चीखा। अब लोग पहले ही रात के वक्त थोड़ा बाहर हुआ करते थे, इस वक्त भी कई बार ये सब्जी लेकर यहाँ से गुजरा करता था, तो लोग ले लिया करते थे, तो इस तरह लोग पहले बाहर थे, उसे इस तरह देखा तो वो घबरा गए और उसने कहा मेरे पीछे डायन है। उन्होंने डायन की कहानियाँ बताई और किसी को पता नहीं था कि उस शमशान घाट में कोई डायन भी आती है। पहले उसका इलाज किया गया, मरहम पट्टी की गई, और उसने बताया इस तरह से मैंने एक डायन को देखा। लोग डरे हुए थे और वो इस चीज़ से और ज़्यादा डर गए कि हमारे गाँव के पास एक डायन है। अब थोड़ा इलाज करवाने के बाद जो पुरुषोत्तम था उसी गांव में रुका। अगली सुबह काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था, लेकिन उसे वो ठेला वो सामान भी वापस चाहिए था। अब सब्जी तो गिर गई होगी, ठेला तो वापस लेकर आता हूँ ना। चार पांच गांव के लोग उसके साथ गए। जो उसका ठेला था शमशान घाट के साथ दीवार के साथ सटा हुआ, सारी सब्जियाँ उसके ऊपर बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल गली हुई नहीं थी, ऐसा लग रहा था ताज़ी आज की सब्जियाँ ऊपर रखी गई हों, बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ। और पुरुषोत्तम घबरा गया, उसे लगा ये दोबारा इस पर किसने रखी। गांव वाले कह रहे कहीं तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई, तुम बेवजह डर कर तो नहीं भागे, तुमने कहा सब्जियां गिरी थी, यहाँ तो कुछ नहीं गिरा। वो भी थोड़ा कंफ्यूज था। अब वो अपना ठेला लेकर वहाँ से निकला। अब उसे शहर जाना था क्योंकि काम तो करना था, गाँव वापस अपने घर तो जा नहीं पाया। इसके बाद वो सीधा पहुँच गया सब्जी मंडी में, वहाँ पर काम किया कुछ सुबह के वक्त, सब्जियाँ कुछ खरीदी, लेकिन उसकी सेहत आज खराब थी। दोपहर होते होते वो जो ठेला खींच रहा था उससे खींचा नहीं जा रहा था, बुखार काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया। फिर एक जगह डॉक्टर के पास उसने दवाई ली, डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम करना होगा। आराम करने के लिए वो सब्जी मंडी वापस चला गया, उसी दुकान के पीछे सो गया। शाम के वक्त उठा और शाम के वक्त तक बुखार काफ़ी ज़्यादा था। अब उसने ठेला जो था वहाँ अपने जान पहचान वाले के घर में ही लगा दिया था, सब्जियाँ नहीं खरीदी थी वो बेच नहीं पाया, लेकिन वो नुकसान उठाने को तैयार था कि अब कल इतना ज़्यादा काम खराब हुआ है, मुझे इतने ज़्यादा ज़ख्म हुए हैं, तो शाम के वक्त उसे लगा कि मुझे घर जाना चाहिए। अब वो जो ठेला था वो लेकर घर जा नहीं सकता था, बुखार था उसे, तो उसने क्या सोचा, उसने अपने दोस्त का साइकिल लिया, उस साइकिल के सहारे अपने गांव वापस जा रहा था। 6 से 7 बज गए, आराम से साइकिल चला रहा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अंधेरे में क्या हुआ,
जब वो एक गांव के बीच से गुजर रहा तो उसे वो लड़की नजर आई। वो भयानक चेहरा, उसने कपड़े पहने हुए थे, अब वो बिना कपड़ों के नहीं थी, लेकिन कपड़े पहने, हाथ में छड़ी पकड़े, वो भयानक चेहरा उसे दो तीन बार, कई बार पेड़ के पीछे से नजर आता, कई बार घर के पास नजर आता। कभी उसे लगता उसे बुखार है, भ्रम हो रहा है, कभी उसे लगता जैसे वो उसका पीछा कर रही है। जब वो अपने घर पहुंचा तब तक उसे ये यकीन हो गया था वो उसका पीछा कर रही है। जहाँ तो गांव में लोग होते वो नजर नहीं आती, जहाँ खाली होता, कुछ खाली खेतों के बीच से गुजरता वो उसके पीछे भागने लगती, वो साइकिल तेज करता, उससे दूर निकलता, लेकिन वो उसके पीछे ही होती, आगे घेरने की कोशिश करती, बार बार उसे रोक कर जैसे मारने की कोशिश कर रही थी। और उसके हाथ में बस वो छड़ी थी और उसके नाखून, छिप जाती जब कोई आता। घर पहुंचा उसने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया। ऐसा हुआ, उसने ये नहीं बताया कि वो बिना कपड़ों की एक लड़की को देखने के लिए दोबारा वहाँ गया था। उसने कहा वो पहली बार उस दिन वहाँ गया था और ऐसा ऐसा हो गया। इस तरह घर वाले कह रहे कि तुझ पर एक डायन का साया है, अब डायन के साये को दूर करने के लिए किसी बाबा के पास जाना होगा, कोई ऐसा तांत्रिक, और तांत्रिक गांव में मिल ही जाते हैं आसानी से। आसपास के गांव में उन्होंने पता कर लिया, एक जगह एक तांत्रिक था जो ऐसे ही भूतों को भगाता था या घर में किसी तरह का वशीकरण करना हो ऐसी चीज़ें किया करता था। वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी थी, जाना उन्होंने सुबह था। रात के वक्त छत से आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई बड़ी बिल्ली या कोई चीज़ छत पर चढ़ी हो, और ऊपर जो उन्होंने शेड सी लगाई थी ना वो हिल रही थी। पड़ोसियों ने कई बार देखा रात को कि इनकी छत पर कोई चढ़ा है, सुबह बताया कि कोई था लंबे बालों वाला, लड़की लग रही थी छत पर चढ़ी हुई। उन्होंने डायन की बात किसी और को नहीं बताई थी, लेकिन पुरुषोत्तम समझ गया था अब डायन उसका पीछा कर रही है। वो पहुंच गए तांत्रिक के पास, अब तांत्रिक से निपटारा चाहते थे डायन का। तो तांत्रिक ने भी पहले पूरी कहानी सुनी। अब जो पुरुषोत्तम था उसने माँ बाप को घर भेज दिया और कहा मैं खुद बात करके आता हूँ, ताकि पूरी तरीके से वो बता सके, अपनी गलती भी बता सके। उसने पूरी कहानी बताई, वो बारिश वाली रात बिना कपड़ों के डायन, अगली रात बिना कपड़ों के डायन वो तलवार के साथ शरीर को गोद रही। अब जो तांत्रिक ने कहा वो पुरुषोत्तम को डराने के लिए काफी था, तांत्रिक खुद डरा हुआ था। तांत्रिक ने कहा अमूमन चुड़ैले डायने दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, जब कोई जादूगरनी जिंदा हो, शक्तियां पाना चाहती हो, वो डायन होती है, जब वो मर जाए वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल और डायन बस इतना फर्क। और जो डायन होती है शक्तियां पाने के लिए बहुत सारी साधनाएं करती है, लेकिन काली शक्तियां पाने के लिए डाकिनी साधना, शाकिनी साधना, इस तरह की साधनाएं और कई साधनाएं जो शमशान घाट में की जाती हैं वो वहां बिना कपड़ों के ये साधना नृत्य करती है, जिसे आखिरी बलि कहा जाता है, शरीर की बलि और नग्न नृत्य, ये डायन नृत्य होता है। और कहते हैं किसी डायन से अगर आपका सामना हो जाए तो डायन आपको मारने की कोशिश करती है या नुकसान पहुंचाती है, अमूमन तो डराती है, भगा देती है, वो अपने काम में किसी को खलल डालने नहीं देती, भगा देती है, और लोग डर जाते हैं, वहां दोबारा जाते नहीं। लेकिन एक डायन का ये जो नग्न नृत्य होता है ये कोई देख नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है। वो चुनाव ऐसी जगह का करती है जहाँ किसी का आना जाना ना हो, बहुत समय देखती है कोई आता जाता ना हो, कोई डरावनी भूत या जगह जहाँ आने से लोग पहले से डरते हो, वहाँ बलि वाली नग्न नृत्य साधना वो पूर्ण करने की कोशिश करती है। और अगर उस स्थिति में डायन को कोई देखे तो वो छोड़ती नहीं, कहते हैं कि वो हमेशा के लिए पीछा करती है, चाहे जो कर लो, वो तोड़ निकालती है, चाहे जो करो वो पीछा करती रहेगी। उस तांत्रिक ने कहा था अब मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, तुम्हें तरीके बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। अब तांत्रिक ने एक तावीज़ लॉकेट सा दिया, एक बाजू में काले रंग का धागा बांधा और उसे कहा कोई मंत्र पढ़ते रहना बचने के लिए, ऐसा वैसा। अगले 5-6 दिनों तक रात को उसे डायन नजर आती रही, आस पड़ोस में लोगों को नजर आती रही, और जहां भी वो अंधेरे में कहीं जाता ना उसे पेड़ों के पीछे जैसे इंतजार कर रही मिलती। उसे बार बार लोगों के बीच भागना पड़ता, वो अकेला रहने से डरने लगा था। कमरे में उसे वो परछाइयां नजर आती जैसे प्रेत उसका पीछा कर रहे हों। डायन शक्तिशाली होती है, वो हर कोशिश करती है, अगर उसका कोई दुश्मन बन गया है, दुश्मन बन गया है तो वो बदला लेने की पूरी कोशिश करती है। अब ये तो एक तरह से पुरुषोत्तम उसका दुश्मन बन गया था, जिसके पीछे वो हाथ धोकर पड़ गई थी।
जो पुरुषोत्तम था उसने इसके बाद कुछ और तांत्रिकों से पूछा, अपने आस पड़ोस में लोगों को बता दिया ये सब हुआ था, पूरा सच बता दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था, पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। वो जैसे हर चीज़ से डरता, दिन के वक्त सूरज की रोशनी में खुद की परछाई से डर जाता और डर कर भागता घर के अंदर, परछाई बनने नहीं देता था। उसका कहना था कि मेरी जो परछाई बनती है वो मेरी टांगें पकड़ती है, और कई बार वो चलता चलता गिर जाया करता था। उसका कहना था कि मेरी परछाई मेरी टांग पकड़ लेती है और मैं गिर जाता हूँ। पुरुषोत्तम धीरे धीरे पागल होता गया और 2 महीनों में उसकी हरकतें ऐसी थी कि उसे पागल खाने भर्ती करवाने तक की नौबत आ गई। लेकिन उनके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो पागल खाने की वो पैसे दे पाए, इसीलिए उसे घर में रखा गया और वहाँ भी वो पागलों जैसी हरकतें करता रहा। कुछ डॉक्टर जो सरकारी थे वो कह रहे थे इसे पागल खाने में भर्ती करवा दो, हम पैसे देंगे, लेकिन खाने पीने का इंतज़ाम इन्हें करना पड़ता और माँ बाप वो खर्च नहीं कर सकते थे। 3 से 4 महीनों बाद वो जैसे पूरी तरह से पागल हो गया था, उसे वो परछाइयाँ नजर आती, लेकिन अब वो हर चीज़ से डरता ज़रूर था, लेकिन उनके घर के आसपास वो डायन दिखना बंद हो गए। किसी को दोबारा वो डायन नहीं दिखी, लेकिन पुरुषोत्तम कभी ठीक नहीं हो पाया। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। वो ये तक याद नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ था, डायन क्या है। वो हर चीज़ से बस डरता रहता, जैसे पूरी तरह से कोई पागल हो गया हो। इलाज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया, वो ठीक नहीं हो पाया और बहुत समय तक वो पागल रहा। अगले 4 से 5 सालों तक पागल रहा और उसके बाद बीमार रहने के कारण उसकी मौत हो गई। इस तरह से एक इंसान जिसने डायन का नग्न नृत्य देखा था, वो जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। अंत में जैसे डायन ने उसे माफ भी कर दिया पागल करने के बाद, और वो पागल मारा गया। ये डायन की शक्ति होती है। अमूमन डायन से अगर सामना हो तो डायन को भगाया जाता है, दूर किया जाता है। डायन को मारना बहुत मुश्किल होता है और डायन की ऐसी साधना में खलल डालने वाला या डायन की साधना को देखने वाला डायन अपना दुश्मन मानती है, फिर पीछा करती है और मारने की कोशिश करती है। और पुरुषोत्तम बेचारा गरीब था, वो समझ तक नहीं पाया उसे क्या करना चाहिए। शायद अगर समझदार होता कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता, और समझदार होता तो शायद दूसरे दिन वहाँ शमशान घाट में जाता ही नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको डायन की साधना की ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर मैं ऐसी ही डरावनी और खौफनाक जानकारी आपके लिए कहानी के रूप में लेकर आता हूं। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो हॉरर ना भी हो लेकिन कहानी के रूप में सुनना चाहते हैं, तो वो भी बताएं, मैं आपके लिए बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यार आप लाइक नहीं करते, पूरी वीडियो देख ली अब तक लाइक नहीं किया, नीचे जल्दी से लाइक करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।